हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ लीना वर्मा, आपकी नई यूट्यूबर। और मेरा चैनल का नाम है लीना वर्मा, जिसमें मैंने बहुत सारे वीडियो शेयर किया है, और जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट, सिंगिंग, कुकिंग, फैशन एंड ब्यूटी, बहुत सारे वीडियोस है। और मैं फ्रेंड्स, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। और फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में सबसे पहले बता दूं कि मैं एक प्राइमरी टीचर हूं। सबसे पहले मैं एक अच्छी हाउसवाइफ हूं, एक अच्छी मदर हूं, और मैं एक प्राइमरी टीचर हूं। और मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी प्रोग्राम देती हूँ, और खाली समय में अब मैंने आपके लिए ब्लॉगिंग करना शुरू किया है। और मेरे फैमिली में मेरे हस्बैंड, दो प्यारे प्यारे बच्चे हैं। और सबसे पहले मैं थैंक्स बोलना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स के लिए, जिसने 18,000 मेरे व्यूवर के लिए जिसने मुझे इतना प्यार दिया और मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है। और उनकी ये पॉजिटिव एनर्जी से ही मुझे और भी ब्लॉगिंग करने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है कि मैं उनके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर के आऊँ। और मैं बता दूं कि मैं मतलब और मेरे घर में हम लोग 6 भाई बहन हैं, और मैं 3 भाइयों से छोटी हूँ, मेरी और दोनों छोटी बहन है, और मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि हमारे फैमिली में हमारे फादर की जो डेथ है वो 10 साल 15 साल पहले हो गई थी, और 9 साल पहले अचानक से मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई। तो मैंने अपने ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं फ्रेंड्स। और उनकी जो बड़े भाई के 3 बच्चे हैं और उनकी बेटी बड़ी हो गई थी, तो मैंने अपनी माँ से ही बहुत मतलब ज़्यादा सीखा है संघर्ष करना। और फिर मेरी माँ जो है उनके बच्चों के लिए फिर से खड़ी हो गई एक माँ बन करके। और मैं फ्रेंड्स बता दूँ आपको कि मैंने एक बहुत ही पॉजिटिव थॉट को पकड़ के रखा है, और मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, वो है हमारी मम्मी, और जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती थी फ्रेंड्स। और मैंने अपने हस्बैंड का प्यार कभी नहीं जाना, हर समय मुझे अपनी माँ में ही सारा दुनिया नज़र आता था। और पिछले 1.5 साल पहले अचानक से मेरी मम्मी सोई का सोई रह गई फ्रेंड्स, तो मैं अपने आप को मतलब संभाल नहीं पाई। तो फिर लगा कि नहीं, ये ज़िंदगी जैसे मेरी माँ ने हम लोगों को खड़ा किया है, तो मैं भी अपने दोनों बच्चों के लिए, मैं अगर नर्वस हो जाऊँगी तो हमारी फैमिली भी टूट जाएगी। तो फिर से फ्रेंड्स मैंने ब्लॉगिंग करना शुरू किया, और मैं उन नेगेटिव चीज़ों से बिल्कुल दूर रहने लगी। जैसे मतलब बहुत सारे फ्रेंड सर्किल भी होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स आपके पॉजिटिव भी होते हैं, बहुत सारे नेगेटिव भी होते हैं। तो मैं जितनी भी नेगेटिव एनर्जी से मैं बिल्कुल कट करके रहने लगी, और अपनी ज़िंदगी में मतलब लगा कि मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे मतलब कुछ भी जो मतलब घटित हो चुका है, जो घटना उसको याद करके उससे मतलब दुखित होने से अच्छा है कि चलो कुछ ऐसा काम करें जिससे मतलब आगे बढ़ने का प्रेरणा मिले। और अब अपनी माँ से ही मैंने बहुत सारा, मैंने बड़े भैया की डेथ के बाद हम लोग 5 भाई बहन माँ को एक हम लोगों ने जकड़ के रखा, और उन्हें हर समय पॉजिटिव एनर्जी देती रही कि नहीं देखो मम्मी, हम लोग भी हैं, हम लोग के लिए भी जीना सीखो। तो वो चीज़ हम लोग क्यों ने अपनी मम्मी से सीखे और इसे आगे लेकर के चले। और फ्रेंड्स मैं बता दूं कि फैमिली के बहुत लोग ऐसे होते हैं, जैसे हमारे भैया की डेथ हो गई, पापा की डेथ हो गई, तो फैमिली में बहुत लोग मतलब सोचे कि चलो अरे इसके घर में डेथ हुई है तो क्यों जाए। लेकिन जब हम लोगों के घर में मतलब अभी भतीजी का शादी किए तो सारे फैमिली लोग खुशी खुशी आए खूब। तो मैं मतलब मुझे सोचने पे ये कभी कभी मजबूर हो जाती हूँ फ्रेंड्स कि मौत से लोगों को इतना डर क्यों लगता है, क्योंकि मौत एक सच्चाई है और हर आदमी को इससे गुजरना पड़ता है। आप उससे डर करके क्यों भागते हैं, क्योंकि ये ज़िंदगी मौत भगवान के हाथ में होती है, और जो जो, जो जितना दिन के लिए आया उसे धरती पर से जाना, और इससे हम लोग बच नहीं सकते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स दुख में अगर किसी का साथ नहीं दीजिए, सुख में साथ नहीं दीजिए, लेकिन दुख में आप मतलब उसे आप जरूर आप उसके घर में जाइए कि जो मतलब उससे उस टूटे हुए फैमिली को जरूर सपोर्ट मिलेगा। तो हम लोगों ने हम लोग 5 भाई बहन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा सीख मिली है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हम लोगों ने भतीजी का शादी किया तो समझिए हम लोगों के सिर पर एक मतलब एक गार्जियन का कोई साया नहीं था। हमारे फैमिली में बहुत सारे लोग हैं लेकिन कहीं से कहीं किसी का सपोर्ट नहीं मिला। तो हम लोग अपने ही 5 कभी हम लोगों ने शादी की रस्म नहीं जाना, हर चीज़ हमारी मम्मी ही करती थी। तो हम लोग पूछ पूछ के किसी तरह मतलब किसी तरह हम लोगों ने ये रस्म को पूरा किया। लेकिन इसीलिए ज़िंदगी में अच्छा कर्म करने गीता में भी कहा गया है कि कर्म करो और उस फल की चिंता मत करो। तो फ्रेंड्स यही थी मेरी लाइफ स्टाइल,
और मैं बता दूं, और मैं अपनी फैमिली, हस्बैंड और सारे फैमिली से भी मिलवाऊंगी फ्रेंड्स। तो अगर आपको, अगर मेरा चैनल पे विजिट कीजिए, और मैंने प्रे स्कूल वर्ल्ड चैनल भी डाला हुआ है, जैसे आजकल छोटी बच्चियों पे काफ़ी सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें मैंने काफ़ी अच्छी वीडियो डाला है, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसको ज़रूर देखें। और अगर आपको मेरा ये वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।